गोना स्टार्ट रूट वर्ड्स इन इंग्लिश। तो फ्रेंड्स, आज हम रूट वर्ड्स सीखेंगे इंग्लिश में। तो आज हम सबसे पहले सीखेंगे फोबिया। फोबिया एक वर्ड है। फोबिया का मतलब होता है फियर और डिसलाइक। फियर मतलब डर, या किसी चीज़ को नापसंद करना, या हमें उससे डर लगता है, तो उसको बोलते हैं फोबिया। जैसे सबसे पहला वर्ड है हमारे पास जू फोबिया। जू क्या होता है? जू मतलब चिड़ियाघर होता है, एंड फोबिया का मतलब होता है डर। तो यहाँ पे जू का मीनिंग हो गया एनिमल्स, एंड फोबिया मीन्स होता है डर। तो जू फोबिया का मीनिंग हो गया कि फियर ऑफ एनिमल्स, यानी कि किसी के अंदर अगर ये है कि भाई एनिमल्स से डरता है, तो हम ये कहेंगे कि ही इज़ सफरिंग फ्रॉम फियर ऑफ एनिमल्स, यानी कि वो एनिमल्स से डरता है। सेकंड वर्ड है हमारे पास डेमोफोबिया। डेमो का मतलब आपको पता होगा कि पीपल होता है, लोग होते हैं, एंड फोबिया मतलब से होता है डर। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको लोगों से डर लगता है, यानी कि लोगों के सामने बोलने से डर लगता है। तो डेमोफोबिया का मीनिंग हो गया कि फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, यानी कि लोगों के सामने बोलना उनको उससे डर लगता है। तो हम बोलेंगे कि उसके अंदर एक डेमोफोबिया है। तो ही इज सफरिंग फ्रॉम डेमोफोबिया। और हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है एंड्रोफोबिया। एंड्रो प्लस फोबिया। एंड्रो का मतलब होता है मेल, यानी कि बॉयज, और फोबिया का मतलब होता है डर। तो जो भी इंसान जो है, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, एक इंसान जो बॉयज को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, उस हम बोलते हैं कि उसके अंदर क्या चीज़ है, एंड्रोफोबिया है। इसी तरह से हमारे पास है गायनोफोबिया। गायनो सुना होगा आपने, तो जो गायनो का मतलब होता है गर्ल या वुमेन, और फोबिया में होता है डर। तो कोई इंसान है ऐसा जिसको लड़कियों से डर लगता है, या लड़कियां पसंद नहीं आती उसको बिल्कुल भी, तो उसको हम बोलते हैं कि ही सफरिंग फ्रॉम गायनोफोबिया। जिसको गर्ल्स बिल्कुल भी पसंद नहीं आती हैं, हम उसको बोलते हैं कि उसमें क्या चीज़ है, गायनोफोबिया है, एंड ही इज़ गायनोफोबिक। और नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास पेडोफोबिया। पेडोफोबिया, पेडो का मतलब होता है चिल्ड्रन, एंड फोबिया होता है डर। जिसे बच्चे पसंद नहीं है बिल्कुल भी, बच्चों से बिल्कुल नफरत करता है, उसको हम बोलते हैं कि ही इज़ पेडोफोबिक, यानी कि उसमें क्या चीज़ है, पेडोफोबिया है। और नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास ऑटोफोबिया। ऑटो का मतलब आपको पता ही होगा, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, जो अपने आप, जैसे बोलते हैं ना कि ऑटोमेटिक कोई चीज़ अपने आप चलती है जैसे, तो ये ऑटो का मतलब सेल्फ होता है यहाँ पे। तो इसका मीनिंग जो होता है वो होता है फियर ऑफ बीइंग अलोन और आइसोलेटेड, यानी कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मैं अकेला हूँ, आइसोलेटेड हूँ, उससे उन्हें, या मैं अकेला हो जाऊँगा, आइसोलेटेड हो जाऊँगा, इसलिए उनको डर लगता है, उनके अंदर एक डर की भावना होती है ना। तो हम उसको बोलते हैं कि भाई उसके अंदर क्या चीज़ है, ऑटोफोबिया है, अकेले रहने की, अकेले रहने से उसे डर लगता है, या आइसोलेटेड होता है वो, उसे फील होता है कि वो आइसोलेटेड हो जाएगा, तो उसके अंदर हो गया ऑटोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास है हाइड्रोफोबिया। हाइड्रो मीन्स होता है वाटर, एंड फोबिया मीन्स डर। तो ऐसा इंसान जिसको वाटर से डर लगता है, पानी से डर लगता है, है ना, उसमें क्या होता है, हाइड्रोफोबिया होता है, यानी कि फियर ऑफ वाटर। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है हर्पेटोफोबिया। हर्पेटोफोबिया का मतलब होता है, हर्पेटो का मतलब होता है यहाँ पे स्नेक्स, रेप्टाइल्स जिनको बोलते हैं,
है ना, रेप्टाइल्स में स्नेक्स भी आ जाते हैं एंड लिजर्ड्स भी आ जाते हैं, तो उसको हम बोलेंगे कि हर्पेटोफोबिया। हर्पेटोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ रेप्टाइल्स लाइक स्नेक्स एंड लिजर्ड्स। तो जैसे सांप से या छिपकली से डर लगता है ना, हम उसको बोलते हैं हर्पेटोफोबिक। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है थियोफोबिया। थियो का मतलब होता है यहाँ पे गॉड से रिलेटेड है, यानी कि रिलीजन जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे हो गया फियर ऑफ रिलीजन। थियोफोबिया का मतलब होता है कि फियर ऑफ रिलीजन, जैसे धर्म से, रिलीजन से डर लगता है, यानी कि वो किसी भी रिलीजन को मानता नहीं है, है ना, वो किसी भी रिलीजन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है। तो हम बोलते हैं कि ही इज़ सफरिंग फ्रॉम थियोफोबिया एंड ही इज़ थियोफोबिक। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास हिप्सोफोबिया। हिप्सोफोबिया क्या होता है? फियर ऑफ हाई प्लेसेस। जैसे कुछ लोगों को ऊंची बिल्डिंग में से अगर नीचे देखेंगे तो उन्हें डर लगता है ना, ऐसा लगता है कि जैसे अभी यहाँ से गिर गया तो क्या होगा, तो उसको हम बोलते हैं ना ही इज़ सफरिंग फ्रॉम हिप्सोफोबिया। हिप्सोफोबिया यानी कि हिप्सो का मतलब यहाँ पे ये समझ लो कि हाई प्लेस हो गया, जो हाई प्लेसेस जैसे कोई बिल्डिंग के ऊपर खड़ा है बिल्कुल, तो इसको बोलते हैं कि हम हिप्सोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एंथ्रोफोबिया। एंथ्रो का मतलब यहाँ पे होता है ह्यूमन बीइंग, इंसान, है ना, तो यहाँ पे इसका मीनिंग हो गया है फियर ऑफ ह्यूमन बीइंग, द वन हु डोंट लाइक द कंपनी ऑफ ह्यूमन बीइंग। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें इंसानों की कंपनी या भीड़ भाड़, है ना, लोगों के आसपास जाना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आता है, अकेले रहना पसंद आता है, तो ऐसे को हम बोलेंगे कि वो जो है एंथ्रोफोबिक है, यानी कि इज़ सफरिंग फ्रॉम एंथ्रोफोबिया। एक तरह की ये हो गई कि भाई बिल्कुल अकेले रहना चाहता हो, उसको लोग पसंद नहीं आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास साइनोफोबिया। साइनो का मतलब यहाँ पे हो गया डॉग एंड फोबिया मतलब होता है डर, तो एक ऐसा डर जो कुत्तों से लगता है उसको बोलते हैं साइनोफोबिया, फियर ऑफ डॉग्स। ये तो ऑलमोस्ट सभी में होता है ना, कुत्तों से तो हर कोई डरता है, तो साइनोफोबिया का मतलब होता है कि फियर ऑफ डॉग्स। और नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास गैमोफोबिया। गैमोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ मैरिज। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल शादी से बिल्कुल ही दूर भागते हैं, शादी करने से डरते हैं, तो उनको हम बोलते हैं कि गैमोफोबिया है उनके अंदर, है ना, दे आर गैमोफोबिक, दे आर सफरिंग फ्रॉम गैमोफोबिया। उनमें एक डर की भावना होती है शादी के लिए। नेक्स्ट वर्ड है पायरोफोबिया। पायरोफोबिया का मतलब होता है, पायरो का मतलब होता है फायर, आग, तो जिस जैसे कुछ लोगों को आग से बहुत डर लगता है ना, तो हम बोलेंगे कि उसके अंदर क्या चीज़ है, पायरोफोबिया है। पायरोफोबिया, ही इज़ पायरोफोबिक। तो पायरो मिस क्या हुआ, आग, फायर, एंड फोबिया मिस होता है डर। नेक्स्ट वर्ड है नोमोफोबिया। ये बहुत खतरनाक बीमारी है। नोमोफोबिया का मीनिंग होता है, नोमो का मतलब होता है नो मोबाइल एंड फोबिया का मतलब होता है डर, तो नोमोफोबिया का मीनिंग होता है कि फियर ऑफ बीइंग आउट ऑफ मोबाइल फ़ोन कॉन्टैक्ट। आजकल मोबाइल बहुत ज़्यादा हम यूज़ कर रहे हैं, और कभी अगर मोबाइल पे बैटरी नहीं होती, ख़त्म हो जाती है, या नेट नहीं होता, या कोई और प्रॉब्लम हो जाती है, तो हमें ऐसे लगता है कि पता नहीं क्या खो गया है ना, तो उसको बोलते हैं कि फियर ऑफ बीइंग आउट ऑफ मोबाइल फ़ोन कॉन्टैक्ट। जैसे हम अगर मोबाइल फ़ोन से दूर रहने का डर कि कहीं मेरे मोबाइल की बैटरी ख़त्म ना हो जाए, या ऐसा ना हो जाए कि मोबाइल बंद ही हो जाए, है ना, तो उसका भी एक डर होता है, तो उसको बोलते हैं नोमोफोबिया। एंड एक वर्ड और है बिब्लियोफोबिया। बिब्लियो का मीनिंग होता है बुक, एंड फोबिया का मतलब होता है डर। तो भी जिसको फियर है बुक का, यानी कि फियर ऑफ बुक्स, जैसे बुक्स से डर लगता है, किताबों से डर लगता है बिल्कुल, बहुत सारी बुक्स हो गई हैं पढ़ने के लिए ना, तो उसको हम बोलते हैं कि ही इज़ सफरिंग फ्रॉम बिब्लियोफोबिया। बिब्लियोफोबिया मतलब होता है कि फियर ऑफ बुक्स, बुक से डर लगता है, पढ़ना नहीं चाहता है बच्चा, जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं ऐसे जो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं
पढ़ना ही नहीं चाहते बिल्कुल भी, तो उसको बोलते हैं कि बिब्लियोफोबिक। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो फोबिया से रिलेटेड होते हैं। फोबिया मतलब जिनमें लगता है हम, है ना, फोबिया हो गया हमारे। तो ये फोबिया एक तरह का यहाँ पे क्या है, सफिक्स है। क्यों? क्योंकि ये बाद में लगा है।